जैसे कि जानते हैं जंगली बैर, वो एक बैर होती है खाने वाली, एक बैर होती है इसमें जंगली बैर, इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, ये देखिए इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, खाया नहीं जाता, इसको देखा जाता है बस। और दोस्तों ये चल रहे हैं, और ये देखिए इनका जैसे लग रहा है कांटा घुस गया है पैर में, कांटा तोड़ रहे हैं उसको निकालने के लिए। और ये है देखिए ये छोटा वाला फूल है जो देखने में अच्छा लगता है, गाँव में पाया जाता है ये देखिए। और सरपत को जानते हैं, यहाँ सरपत कैसा होता है, ये सरपत है ये देखिए, इस सरपत में हम बचपन बहुत खेलते थे, इसको बांध बांध कर वो छान उन बनाते थे बचपन में। दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे ये जितनी ज़मीन दिख रही है, अगर जो आपको नहर बताए थे ना, अगर वो आपको नहर दिखाएंगे दोस्तों तो पूरा वो जब भर जाता है तो पूरा ये पानी, ये पूरा उरा पूरा घर डूब जाता है। इसका जो गेट दिख रहा है ये गेट आधा गायब हो जाता है, मतलब भर जाता है। तो दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे आम का पेड़ भी है। हम लोग पहले आते थे यहाँ फिशिंग करने, फिशिंग खाते नहीं है लेकिन मारने में दोस्तों बहुत मज़ा आता है, और आप लोग को दिखाएंगे। और जैसे मंदिर भी आप लोग बताए थे, मंदिर वो पीछे मंदिर है, और सब लोग दोस्तों यहाँ ज़मीन उमीन खरीद ले रहे हैं तो अब बढ़िया नहीं लगता, पहले तो बहुत बढ़िया लगता था। ये सारा प्लाट हो गया है, नदी उदी सब गायब हो गई है, तभी दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। वो देखिए मंदिर भी है, और ये देखिए नहर, आप लोग को वहाँ तक जगह दिखाएंगे कि पहले साफ पानी हुआ करता था ज़्यादा नहाने लायक, लेकिन अभी इतना कूड़ा हो गया है वहाँ पर, क्या बताएं दोस्तों। दोस्तों यहाँ देखिए प्लॉट के लिए ईंटा उटा लगाया गया था, चोर जो गांव के लड़के होते हैं वो लोग ईंटा निकाल लिए हैं, और पूरा ये देखिए ईंटा चुरा लेते हैं, इसीलिए प्लॉट व्लॉट नहीं कराना चाहिए। और वहाँ पर बहुत बदबू आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ये देखिए इस यहाँ का पानी है क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए हम आ चुके हैं, और ये जैसा कि बता रहे थे हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये देखिए नदी था पहले, छोटा सा नहर था, ये पूरा नहर जो है ये सीताराम धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नदी और जो मंदिर है। तो ये देखिए आपको इरा, तो इरा के तो सड़क जाब, हम सड़क जाब चला बना ठीक है वीडियो बनाओ सही दोस्तों, बड़ा अजीब लग रहा है। ये सरपत है, ये हम गिर ना जाए तो आप लोग को दिखाएंगे वहाँ तक। अरे दोस्तों ये सरपत है, ये देखिए ये आप लोग को दिखाएंगे वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। अब पानी हो गया गड़बड़ा जाएगा दोस्तों, आप लेके देखते रहिए ये पानी है कि नहीं पानी है। अरे डर लग रहा है यार, कहूँ बूढ़ ना जाइए एक आध पैर चला को। तो दोस्तों हम ब्लॉग वीडियो बनाने आए हैं, अब मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर उतरा हूँ। ये देखिए यहाँ के, यहाँ बहुत बदबू कर रहा है दोस्तों, एकदम बदबू कर रहा है, और क्या बताएं दोस्तों। वो देखिए ये लड़का वो तो पीछे गया, कह रहा मुझे बदबू से बहुत डर लगता है। तो पहले हम लोग यहीं आके फिशिंग करते थे, ये पूरी नदी बहा करती थी पूरा, लेकिन अभी चारों तरफ देखिए प्लाट करा दिए हैं तो गंदगी हो गई है और कुछ भी नहीं हो पाया है। तो और दिखाएंगे आप लोग को दोस्तों, दोस्तों हमको डर लग रहा है कहीं सांप वो ना दिख जाए। और दोस्तों ये देखिए हम इस पर हिल नहीं सकते, इस पर पानी है ये देखिए। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं, और हमको डर भी लग रहा है कि अब हमको थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि सरपत उरपत है कुछ निकल ना जाए। तो अब चल रहे हैं दोस्तों, मुझे हाँ भाई चौके लेते हैं यार क्या करी। तो दोस्तों हम चल रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोग को दिखाएंगे एक पुलिया है, और पुलिया है उसी पुलिया पे दिखाएंगे नज़ारा, लोग कहाँ पर थे और कहाँ पर आ रहे हैं अब। और ये नदी है, तो घर और बन गया है दोस्तों, ये देखिए पहले कितना अच्छा लगता था, पूरा सन्नाटा पूरा घेरा नहीं था, लेकिन अब देखिए पूरा ये कहीं घर बन रहा है कहीं ये बन रहा है, लोगों को घर ही बनाना ज़रूरी है अभी। और दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे मछलियाँ दिखती हैं कि नहीं, मछलियाँ भी दिखाएंगे, अगर दूर से दिखेंगे ठीक है तो नहीं बता सकते। ये बुलडेजर है, तो दोस्तों हम लोग आज चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये वही हम लोग वहीं खड़े थे वहीं पे, और वहीं खड़े थे तो ये नहर है, भैया लोग भी बैठे हुए हैं, और यहाँ दिखेगा कि मछली रहती है नहीं, ये मछली उछली नहीं दिख रही है दोस्तों, दिखा देते हैं फिर से, कोई पता कोई पता दिख भी जाए तो मोबाइल ना गिर जाए, डर लग रहा है हमको दोस्तों।